हम पढ़ रहे थे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में, जिसमें हमने पिछली वीडियो में जाना था लायबिलिटी एवं उनके प्रकार। आज हम जानेंगे असेट्स के बारे में। अब जैसे कि ज्ञात हो, अकाउंटिंग में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनका अपना एक विशेष अर्थ है। इन शब्दों के अर्थ को जाने बिना अकाउंटिंग का ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है। चलिए आज के टॉपिक असेट्स को समझते हैं। व्यापार की ऐसी समस्त वस्तुएं जो व्यापार के संचालन में सहायक होती हैं और जिन पर व्यावसायिक स्वामी का अधिकार होता है, असेट्स कहलाती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं। पहला स्थायी संपत्ति या फिक्स असेट्स, सेकंड है चालू संपत्ति मतलब करेंट असेट्स। चलिए फिक्स्ड असेट्स को समझते हैं। इनसे आशय उन संपत्तियों से है जो व्यवसाय में दीर्घकाल तक रखी जाने वाली होती हैं, यानी जिनका लाभ व्यापार में कई वर्षों तक मिलता रहता है और जो पुनः विक्रय के लिए नहीं होती हैं। उदाहरण के तौर पर लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, वाहन, मशीन आदि। चलते हैं नंबर टू की ओर, करेंट असेट्स मतलब चालू संपत्ति। इनसे आशय उन संपत्तियों से है जो आम तौर पर एक वर्ष से कम समय में उपयोग की जाती है, यानी जो लंबे समय तक व्यापार में नहीं रहती हैं, जैसे कैश या जिन्हें हम कैश में बदल सकते हैं, जैसे डेबिटर, कैश बैलेंस, स्टॉक इत्यादि।